वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जयपुर से। आपको बता दें कि जयपुर में जयपुर लौटेंगे डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दिल्ली से लौटेंगे आज जयपुर। दोपहर 3:30 बजे कनौडिया कॉलेज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आपको बता दें दिल्ली से जयपुर लौटेंगे आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दोपहर 3:30 बजे कनौडिया कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। आपको बता दें सचिन पायलट दिल्ली गए हुए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, कई मुद्दों पर चर्चा की है। उसके बाद आज वे जयपुर लौटेंगे और दोपहर 3:30 बजे कनौडिया कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर लौटेंगे और दोपहर 3:30 बजे कनौडिया कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर अनूपगढ़ से, जहां जिला बनाने की मांग को लेकर धरना लगातार जारी है। 7 फरवरी को धरने के 7 साल पूरे हो जाएंगे। संघर्ष समिति ने 7 फरवरी को अनूपगढ़ बंद की घोषणा की है। विरोध स्वरूप बाजार बंद किया जाएगा। बंद के दौरान कनॉट प्लेस चौक पर होगा सभा का आयोजन। एसडीएम कार्यालय के सामने चल रहा है ये धरना। आपको बता दें अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग लगातार की जा रही है पिछले 7 सालों से, जहां 7 फरवरी को धरने के 7 साल पूरे हो जाएंगे। संघर्ष समिति ने 7 फरवरी को अनूपगढ़ बंद करने की घोषणा की है। वहीं विरोध स्वरूप यह बाजार भी बंद किए जाएंगे। आपको बता दें इस दौरान एक सभा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें एसडीएम कार्यालय के बाहर लगातार धरना जारी है और इस धरने प्रदर्शन को 7 साल पूरे हो जाएंगे 7 फरवरी को, जहां संघर्ष समिति ने 7 फरवरी को अनूपगढ़ बंद रखने की घोषणा की है। बंद के दौरान कनॉट प्लेस चौक में सभा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें पिछले लंबे समय से संघर्ष समिति अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं और इस मांग को पूरे 7 फरवरी को 7 साल पूरे हो जाएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक अग्रवाल हमारे साथ जुड़े। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे अनूपगढ़ संघर्ष समिति का लगातार प्रदर्शन जारी है, 7 फरवरी को बंद का ऐलान किया है, क्या कुछ तय है 7 फरवरी के कार्यक्रम में? जी, मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी 2012 से अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय के सामने अनुगुल को जिला बनाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया था जी। और ये धरना लगातार 7 सालों से जारी है और इस दौरान 7 सालों के दौरान इन्होंने गांधीवादी तरीके से इस धरने को चलाया है। और जब पिछली बार गहलोत सरकार थी तो अनूपगढ़ के जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो पद यात्रा कर गहलोत सरकार से मिलने गए थे, मगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर जब वसुंधरा सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा की सरकार ने भी अनूपगढ़ की इस मांग को अनदेखा किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो अनूपगढ़ है जिला बनाने की सभी जो जरूरतें होती हैं उन जरूरतों को पूरा करता है और लंबे समय से ये धरना चल रहा है। और 7 सालों के दौरान संघर्ष समिति ने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाया, बाजार बंद भी करवाए और पद यात्राएं भी की, मगर किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जी जी दीपक, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन और प्रदर्शन था अब तक गांधीवादी तरीके से चल रहा था और अब विरोध किया जाएगा, बाजार भी बंद किया जाएगा, और क्या लगता है आपको इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं 7 फरवरी को? जी, मैं आपको बता दूं कि जो 7 तारीख को बाजार बंद का ऐलान किया गया है संघर्ष समिति के द्वारा, बाजार बंद के दौरान जो मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार में कनॉट प्लेस चौक पर एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा और उसमें ही बैठकर रणनीति तैयार की जाएगी। जी दीपक, तो प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, क्या प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले ही बताया कि ये जो धरना है और आंदोलन है गांधीवादी तरीके से चलाया जा रहा है, फिर भी प्रशासन मुस्तैद है और प्रशासन को बंद के बारे में अवगत करा दिया गया है।
जी धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। वही अगली बड़ी खबर जयपुर से, जहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। संजय सर्किल थाने में आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है मामला। प्रियंका गांधी के लिए व्हाट्सएप पर अभद्र मैसेज करने के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। संजय सर्किल थाना प्रभारी को सौंपी गई है मामले की जांच। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।